नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोशिस टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। आज हम बात करेंगे एक त्यौहार की जो है भाई बहन का पर्व, जिसे कहा जाता है भैया दूज अथवा भाई दूज अथवा यम द्वितीया। इस त्यौहार के बारे में जानेंगे और जानेंगे क्या है इसका महत्व। लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले, यदि अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोशिस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कीजिए, और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए जानते हैं भाई दूज। इस वर्ष सन 2017 में भाई दूज का पर्व 21 अक्टूबर 2017 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। भाई दूज का मुहूर्त नई दिल्ली भारतवर्ष के लिए तिलक का समय होगा दोपहर 1:13:46 से दोपहर 3:29:56 तक। ये अवधि होगी लगभग 2 घंटे 16 मिनट की। आइए जानते हैं भाई दूज 2017 के बारे में। भाई दूज पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते और स्नेह का प्रतीक है। भाई दूज या भैया दूज को भाई टीका, यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया आदि नामों से भी जाना जाता है। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्व है। ये तिथि दीपावली के दूसरे दिन आती है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों को मंगल तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई शगुन के रूप में बहन को उपहार आदि भेंट करते हैं। भाई दूज के दिन मृत्यु के देवता यमराज का पूजन करने का भी विधान है। मान्यता है कि इसी दिन यमदेव अपनी बहन यमुना के बुलावे पर उनके घर भोजन करने आए थे। भाई दूज मनाने की तिथि और नियम, आइए जानते हैं क्या है ये विशेष नियम। भाई दूज यानी यम द्वितीया कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती है। इसकी गणना निम्न प्रकार से भी की जा सकती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि जब अपराह्न अर्थात दिन का चौथा भाग के समय आए तो उस दिन भाई दूज मनाई जाती है। यदि दोनों दिन अपराह्न के समय द्वितीया तिथि लग जाती है तो भाई दूज अगले दिन मनाने का विधान है। इसके अलावा यदि दोनों ही दिन अपराह्न के समय द्वितीया तिथि नहीं आती है तो भी भाई दूज अगले ही दिन मनाई जानी चाहिए। ये तीनों मत अधिक प्रचलित और मान्य हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य मत के अनुसार अगर कार्तिक शुक्ल पक्ष में जब मध्याह्न दिन का तीसरा भाग के समय प्रतिपदा तिथि शुरू हो तो भाई दूज मनाना चाहिए। हालांकि यह मत तर्कसंगत नहीं बताया जाता है। भाई दूज के दिन दोपहर के बाद ही भाई को तिलक व भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा यम पूजन भी दोपहर के बाद किया जाना चाहिए। अब आइए जानते हैं भाई दूज पर होने वाले रीति रिवाज और उनकी विधियाँ। हिंदू धर्म में त्यौहार बिना रीति रिवाजों के अधूरे हैं। हर त्यौहार एक निश्चित पद्धति और रीति रिवाज से मनाया जाता है। भाई दूज के मौके पर बहनें भाई के तिलक और आरती के लिए थाल सजाती हैं। इसमें कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई और सुपारी आदि सामग्री होनी चाहिए। तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से एक चौक बनाएं। चावल के इस चौक पर भाई को बिठाया जाए और शुभ मुहूर्त में बहन उनका तिलक करें। तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बताशे और काले चने भाई को दें और उनकी आरती उतारें। तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहनों को उपहार भेंट करें और सदैव उनकी रक्षा का वचन दें। अब आइए जानते हैं भाई दूज से जुड़ी पौराणिक कथाएँ। हिंदू धर्म में जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं उनमें कहीं ना कहीं पौराणिक मान्यता और कथाएं अवश्य जुड़ी होती हैं। ठीक इसी प्रकार भाई दूज से भी कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ये प्राचीन कथाएं इस पर्व के महत्व को और भी अधिक बढ़ा देती हैं। सबसे पहले जानते हैं यम और यमी की कथा। पुरातन मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के दिन ही यमराज अपनी बहन यमी अर्थात यमुना के घर गए थे। इसके बाद से ही भाई दूज या यम द्वितीया की परंपरा की शुरुआत हुई। सूर्यपुत्र यम और यमी भाई बहन थे। यमुना के अनेकों बार बुलाने पर एक दिन यमराज यमुना के घर पहुंचे। इस मौके पर यमुना ने यमराज को भोजन कराया और तिलक कर उनके खुशहाल जीवन की कामना की। इसके बाद जब यमराज ने बहन यमुना से वरदान मांगने को कहा तो यमुना जी ने कहा कि आप हर वर्ष इस दिन मेरे घर आया करें और इस दिन जो भी बहन अपने भाई का तिलक करेगी उसे आपका भय नहीं होगा। बहन यमुना के वचन सुनकर यमराज अति प्रसन्न हुए और उन्हें आशीष प्रदान किया। इसी दिन से भाई दूज पर्व की शुरुआत हुई। इस दिन यमुना नदी में स्नान करने का बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई दूज के मौके पर जो भाई बहन एक साथ यमुना नदी में स्नान करते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा माता की भी एक कथा है, आइए जानते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध कर द्वारिका से लौटे थे। इस दिन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फल, फूल, मिठाई और अनेकों दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की थी। इस दिन से ही भाई दूज के मौके पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार भी देते हैं। अब ये जानते हैं हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में भाई दूज पर्व किस तरह से मनाया जाता है।
देश के विभिन्न इलाकों में भाई दूज पर्व को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दरअसल भारत में क्षेत्रीय विविधता और संस्कृति की वजह से त्योहारों के नाम थोड़े परिवर्तित हो जाते हैं, हालांकि भाव और महत्व एक ही होता है। पश्चिम बंगाल में भाई दूज को फोटा पर्व के नाम से जाना जाता है। इस दिन बहनें व्रत रखती हैं और भाई का तिलक करने के बाद ही भोजन करती हैं। तिलक के बाद भाई भेंट स्वरूप बहन को उपहार देता है। महाराष्ट्र और गोवा में भाई दूज को भाऊ बीज के नाम से मनाया जाता है। मराठी में भाऊ का अर्थ है भाई। इस मौके पर बहनें तिलक लगाकर भाई के खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। उत्तर प्रदेश में भाई दूज के मौके पर बहनें भाई का तिलक कर उन्हें आब और शक्कर के बताशे देती हैं। उत्तर प्रदेश में भाई दूज पर आब और सूखा नारियल देने की परंपरा है। आब देने की परंपरा लगभग हर घर में प्रचलित है। बिहार में भाई दूज पर एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। दरअसल इस दिन बहनें भाइयों को डांटती हैं और उन्हें भला बुला कहती हैं और फिर उनसे माफ़ी मांगती हैं। दरअसल यह परंपरा भाइयों द्वारा पहले की गई गलतियों के चलते निभाई जाती है। इस रस्म के बाद बहनें भाइयों को तिलक लगाकर उन्हें मिठाई खिलाती हैं। नेपाल में भाई दूज पर्व भाई तिहार के नाम से लोकप्रिय है। तिहार का मतलब तिलक के टीका होता है। इसके अलावा भाई दूज को भाई टीका के नाम से भी मनाया जाता है। नेपाल में इस दिन बहनें भाइयों के माथे पर 7 रंग से बना तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी आयु व सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तो भाई दूज पर्व भाई और बहन के पवित्र रिश्ते और प्यार का प्रतीक है। आइए भाई दूज के इस अवसर पर हम सभी भाई बहन एक दूसरे से प्यार बांटें और खुशहाल जीवन की कामना करें। एसोसिएज की ओर से आप सभी को भाई दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को आपके अपने एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार।